हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन। आज आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या होता है, जब भी हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आंसर सही है, लेकिन क्या होता है, जो अरिथमेटिक का एकदम जो बेस है, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उनमें हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, ए इज अ 20% ऑफ बी। तो इसमें क्या है, हम बात कर रहे हैं ए की। इसके बारे में बात कर रहे हैं ए की, 20%, 20/100, तो फिर इसका रेशियो था 1:5। इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, ए की, यानी जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ये किसकी है, ए की, और किसके बारे में, बी से। तो इसका रेशियो होगा 1:5। हमारा अगला प्रॉब्लम है, अनु सैलरी इज 25% ऑफ राम। तो हम क्या पूछ रहे हैं, अनु सैलरी, अनु की जो सैलरी है वो राम के 25% है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 25 और 4, यानी इसमें क्या होगा, ये हमने बात किसके बारे में किया, अनु, तो अनु का क्या होगा 1 और राम का 4, यानी राम की जो भी सैलरी है उसका 1/4 क्या है, अनु की सैलरी। तो ऐसे हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम करनी है। इसके बाद में हम देखेंगे सेविंग के रेशियो और प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम। देखो एक फार्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। समझो हमारी इनकम है 100 रुपीज़, उसमें से हमने 20 रुपीज़ किया है खर्चा किया, तो 100 में से 20 के कितने रहे, 80, यानी 80 हमारी क्या हो गई, सेविंग। तो ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, राजू स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। रेशियो किसका निकलना है, सेविंग एंड इनकम। देखो स्पेंड, स्पेंड यानी क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा, तो 20% यानी 1/5, तो वो खर्चा कितना कर रहा है 1, तो उसकी सेविंग क्या होगी, 5 में से 1 गया 4, सेविंग क्या होगी 5 में से गया 1 4, और इनकम, इनकम क्या रहता है, नीचे वाला जो रहता है वो क्या रहता है, इनकम रहता है, यानी सेविंग टू इनकम का रेशियो क्या होगा, 4:5। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रॉब्लम है, नेहा स्पेंड 16.2/3% ऑफ हर इनकम, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। तो पहले हमें क्या करना है, जो 16.2/3 है इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 16 * 48 और इसमें 2, तो हो गया 50/3, और जो परसेंटेज है उसको हम लिखेंगे 1/100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 * 1 = 15, 15 * 2 = 100, 1 और 3 * 6। तो इसके पिछले के प्रॉब्लम में हमने देखा है कि ये जो नीचे का रहता है ये क्या रहता है, इनकम रहता है, क्या रहता है, इनकम, और ये क्या होगा हमारा एक्सपेंडिचर, यानी स्पेंड, खर्चा किया हमने। तो हमारे को रेशियो पूछा है सेविंग टू इनकम, सेविंग टू इनकम, तो हमारा इनकम तो 6 आ गया और सेविंग क्या रहता है, ये 6 में से 1 गया 5। तो ऐसे प्रॉब्लम जो आते हैं वो हमें इस तरफ से सॉल्व करते हैं। हम एग्जाम में क्या गलती करते हैं कि जो रेशियो है 1:6, इसको ही हम लिख देते हैं सेविंग टू इनकम का रेशियो, क्या लिख देते हैं 1:6, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाए, और हमको ऐसा लगता है बाद में कि हमारे आंसर तो सही आए थे लेकिन हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो उसका यही प्रॉब्लम है, ये जो फ्रैक्शन निकालते उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ता है और जो बचता है वो क्या रहता है, सेविंग। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट मिला दिया तो उसको हमको मिलता है सेलिंग प्राइस। तो सपोज हमने एक कोई भी चीज़ 80 रुपीज़ में खरीद लिए, उसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, और हमें उस पर 20%
या फिर 20 रुपये मुनाफा चाहिए यानी प्रॉफिट, तो हमें वो चीज़ कितने में बेचनी पड़ेंगी, 100 रुपये में। कितने रुपये में से बिकनी पड़ेंगी, 100 रुपये में। और वही चीज़ सपोज हमने 70 रुपीज़ मिली, कितने रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में, और उसमें हमें 10 रुपये लॉस हो गए, कितना हो गया, 10 रुपये लॉस, तो चीज़ हमें कितनी बेचनी पड़ेंगी, 60 रुपीज़ में। इस तरीके से हम अगर प्रॉफिट रहा कोई भी कॉस्ट प्राइस में, कोई भी चीज़ हमने खरीदी और उसमें हमें प्रॉफिट मिल गया तो उसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और सपोज़ कोई चीज़ हमने खरीदी उसमें हमें लॉस हो गया तो हम वो उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस में से वो लॉस माइनस करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रॉब्लम है, अ पर्सन सेल हिज ऑब्जेक्ट एट 20% प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड SP। तो हमें जो रेशियो दिया हुआ है 20%, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 20/100, तो 21 से 20, 25 से 100, तो हमारा रेशियो आएगा 1:5। हमें जो पीछे प्रॉब्लम की उसमें पता है कि जो नीचे का रहता है वो क्या रहता है, मेन रहता है यानी कॉस्ट प्राइस, ओके, आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्कस हमने किया प्रॉफिट, तो ये 1 हो गया प्रॉफिट। हमें रेशियो निकालना है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो मिल गया 5, प्रॉफिट हमारा क्या गया, ये प्रॉफिट, और हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस में मिला के कॉस्ट प्राइस हो गया 5, प्रॉफिट 1, 5 and 1 6, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या गया 6, तो हमारा रेशियो आ गया 5:6। हमारा अगला प्रॉब्लम है, अ पर्सन सेल हिज ऑब्जेक्ट एट 10% लॉस, फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड SP। तो हमें जो रेशियो दिया हुआ रहता है वो निकालना पड़ता है CP एंड SP का, तो इसके लिए हमें लॉस दिया हुआ है 10%, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे 10% 10/100, 10 ones are 10, 10 tens are 100। उसी तरीके से हमें करना है जो पिछली बार हमने किया, जो नीचे का रहता है वो रहता है CP, तो हमारा CP आ गया है 10, हमें क्या चाहिए SP, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, लॉस, तो ये क्या हो गया लॉस, वन हो गया लॉस। तो जो कॉस्ट प्राइस रहती है उसमें से लॉस को अगर माइनस कर दिया तो क्या रहता है सेलिंग प्राइस, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ गया 9, रेशियो क्या आ गया 10:9। इसी तरह से हमें अगर प्रॉफिट लॉस ऐसे दिए रहते और कॉस्ट पे दिए थे तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और जो रेशियो बोला वो रेशियो निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें एग्जाम में पूछते हैं कि प्रॉफिट का और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो, प्रॉफिट का और SP का रेशियो निकालो, तो इस तरह से कुछ भी करना नहीं, हमें सिर्फ प्लस और माइनस करके हमारे रेशियो निकालना है। और ये कैलकुलेशन हम चुटकी में कर सकते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड में ही हो जाता है। सपोज़ हमको अगर ऐसा डायरेक्ट करने का रहा तो हम क्या करेंगे, यही प्रॉब्लम हमें 2 सेकंड में करने हैं तो कुछ नहीं, क्या दिया हुआ है 10% लॉस 10/100, 10 ones are 10, 10 tens are 100, यानी 1/10 आ गया, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो 10 आ गया ना हमारा, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, अगर लॉस आया तो माइनस करने का, 10 में से 1 गया 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10:9, यानी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं।